आज मेरी बहन को गए हुए पूरा एक साल हो गया, नहीं तो उसका फोन लग रहा है और नहीं उसका फोन आया है। पता नहीं वो कहाँ होगी, न जाने किस हाल में होगी। हाँ भाई किशनलाल, इधर आ। अरे जमींदार साहब आप, नमस्कार साहब, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे जमींदार साहब आपने क्यों कष्ट किया यहाँ पर आने में? आप मुझे बता देते, मैं ही आपके पास आ जाता। सुन किशनलाल, तूने अपनी बहन की पढ़ाई के लिए हमसे जो कर्जा लिया था उसको चुकाने का टाइम आ चुका है, और अगर तूने वो कर्जा नहीं चुकाया तो तेरी सारी फसल हम अपने मजदूरों से कहकर कटवा देंगे। साहब आप मेरी मजबूरी समझिए, वैसे भी मेरी बहन का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर है। बहाना बहुत अच्छा बना लेता है तू, ऐसे नहीं मानेगा। तेरी फसल पकने के बाद ना हम ये सारी फसल कटवा देंगे। साहब ऐसा मत कीजिए आप मेरे साथ, मैंने इस फसल को उगाने में बहुत मेहनत की है और वैसे भी इस फसल में मेरा खून पसीना एक हो गया है। साहब तेरे इस तरह गिड़गिड़ाने से हम पर कोई असर नहीं होने वाला है, समझ गया तू? साहब मैं आपसे एक विनती करता हूँ, कैसे भी करके आप मेरी बहन का फोन लाकर देखिए, शायद उसका फोन लग जाए, उसके बाद मैं आपकी सारी रकम चुका दूंगा। तेरी बहन से हमें कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी जाकर मरे, हमें सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। साहब मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए, वैसे भी वो मेरी इकलौती बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। सुनो तुम लोग, इसकी फसल को पकते ही इसकी सारी फसल को कटवा देना, चलते हैं हम लोग अब। साहब आप ऐसा मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक महीने की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। हमारी तरफ से तुझे बिल्कुल भी मोहलत नहीं मिलेगी, समझ गया तू? आओ निकलते हैं। भाई इसमें तो बहुत माल है, ये कैसे तू गिर? टोटल की 4 लाख रुपए हैं, 2 लाख तेरे हो गए और 2 लाख मेरे हो गए। भाई ये पैसे तो पुलिस वाले की थे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जब तक जमींदार साहब का हाथ हमारे सिर पर है हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ए, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, तुम लोग बहुत दिनों बाद मेरे हाथ लगे हो। अरे यार ये तो भाई पुलिस वाली है जिसका हमने बैग छीना था। लेकिन भाई ये हमारे पास तक कैसे आई? इसे हमारे बारे में किसी ने सूचना दी होगी। आज के टाइम पर हर आदमी घर से अकेला निकलने पर डरता है, वो भी सिर्फ तुम लोगों की वजह से। देखो मैडम तुम हमारे बारे में जानती नहीं हो कि हम कौन है। हाँ अब बोल कौन है तू? मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूँ और तूने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हारे जैसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है, जो बड़े लोगों की सिफारिश लेकर मेरे पास आते हैं और जो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ती हूँ। और सुन, पुलिस किसी की गुलाम नहीं होती, मैं एक किसान की बेटी हूँ, गरीबों का दुख दर्द अच्छे से समझती हूँ। मैडम आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जमींदार साहब से पंगा लेकर, अब जमींदार साहब आपको नहीं छोड़ेंगे। मैडम तुम जमींदार साहब को नहीं जानती, इसका मतलब तुम शहर में नहीं आई हो। थाने चलो तुम दोनों, वहीं चल के उनका ब्यौरा देना और ये पैसे इस बैग में डालो, जल्दी करो। चलो किशनलाल बाहर आ निकल कर।
राम राम जमींदार साहब, आपने मेरी सारी फसल तो कटवा दी, अब क्या काम है मुझसे बताइए। तेरी फसल को कटवाने के बाद भी हमारे तुझ पर 5 लाख रुपए निकलते हैं, अब तू हमको ये बता कि वो पैसे कब देगा। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ, अगली फसल होने के बाद मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अगली फसल तक हम तेरा इंतजार नहीं कर सकते, तू ना एक काम कर, अपनी जमीन को हमारे नाम करवा दे, फिर तेरा सारा हिसाब किताब फाइनल हो जाएगा। जमींदार साहब, थाने से अभी खबर आई है, हमारे खास आदमी को दरोगा जी ने बंद कर दिया है। ऐसा कौन सा दरोगा पैदा हो गया जिसने हमारे आदमी को थाने में बंद कर दिया? एक काम कर, SP को कॉल लगा अभी का अभी। अभी लगाता हूँ। सुनिए SP साहब, मैं जमींदार साहब का खास आदमी बोल रहा हूँ, आपके दरोगा ने हमारे खास आदमी को बंद कर लिया है, आप उसे जल्दी से छुड़वा दीजिए। क्या कहा SP साहब, आपका ट्रांसफर हो गया, उसमें नई दरोगा आई है? ठीक जमींदार साहब, अब SP साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते, उस थाने में नई दरोगा आई है। कौन सी नई दरोगा आई है? एक काम करो, उसको अपनी हवेली पर बुलाओ और इस किसान को भी उठा लो, क्योंकि इसका अंगूठा भी लगना है कागजों पर। चल बे। आइए दरोगा साहब, आइए, आपका बहुत बहुत इंतजार है हमारी हवेली पर। शायद अभी आपको ना हमारे बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे करना भी क्या है, क्योंकि ये वर्दी बिकाऊ नहीं है, और मैं किसी बड़े आदमी की गुलाम नहीं हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, और मैं किसानों के हक के लिए ही जीती हूँ। सुनिए मैडम, आप इस शहर में नई नई आई हो, इसीलिए ज्यादा अकड़ रही हो, और वैसे बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं कि मैं भी एक बहुत बड़ा किसान हूँ, मेरे पास पूरी 500 एकड़ जमीन है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड जानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये लीजिए पूरे 2 लाख रुपए हैं, और हमारे दोनों आदमियों को छोड़ देना, पकड़ो इसे। मैं अभी बिना सबूत के गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसे गिरफ्तार करने के लिए मुझे सबूत की जरूरत पड़ेगी, जो भी मेरे पास नहीं है। ये पैसे रख लेती हूँ। अरे इतना क्यों सोच रही हो मैडम, शायद तुम्हारी सैलरी से कई गुना ज्यादा है ये पैसे। कुछ नहीं सर, मैं आपके आदमियों को छोड़ दूंगी। बहुत अच्छे दरोगा साहिबा, बस इसी तरह काम करते रहो, हम ना आपको बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे और बहुत जल्द करोड़पति बनवा देंगे। ठीक है सर, अभी तो मैं चलती हूँ, लेकिन अगली मुलाकात हमारी बहुत जल्द होगी। क्या हुआ मैडम, हमारे साहब के बारे में जानकर छोड़ दिया हमें? हमने तो पहले ही कहा था तुमसे, छोड़ दो हमें। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन जमींदार की वजह से नहीं, किसी खास वजह से। मैडम तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम हमारे जमींदार साहब से डर गई? अभी पता चल जाएगा, खड़े हो जाओ। मैडम मत मारो, छोड़ दो हमें। आज के बाद किसी बड़े आदमी की धमकी मुझे मत देना, और ये मत समझना कि मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया है, एक ना एक दिन तुम दोनों जरूर मेरे हाथ आओगे। अब जाओ यहाँ से। जमींदार साहब, हमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए तैयार नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस में मेरी बात हो गई है, इसको ले जाओ और जबरदस्ती अंगूठा लगवाओ। जमींदार साहब, मुझ जैसे गरीब किसान पर इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। और सुन, उस नई दरोगा को भी फोन लगा, उसको यहीं पर बुला, वो पंचनामा भर देगी कि इसने अपनी सारी जमीन हमारे नाम कर दी है। जी जमींदार साहब। हेलो, सुनिए दरोगा साहिबा, जल्दी से आप जमींदार साहब की हवेली पर आ जाइए। ठीक है। सुनिए जमींदार साहब, अब तक मैंने आपकी बहुत सहन कर ली, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा, आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आज तक जमींदार साहब के सामने किसी ने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की, और तू कल का लौंडा,
मेरे सामने बोलेगा? बस जमींदार साहब, बहुत हो गई तुम्हारी तानाशाही, अब गरीब किसानों पर तुम्हारा जुल्म और नहीं चलेगा। सुनिए दरोगा साहेबा, आप हमसे पैसे लेती हो इसलिए हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। बहन तू, और वो भी यहाँ पर, और इस पुलिस की वर्दी में। मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सब जगह ढूंढा, तेरे फोन भी ट्राई किए। ओए, ये क्या बोल रहा है तू? ये कैसे तेरी बहन हो सकती है? हाँ जमींदार साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं, और मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन जाऊंगी मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। अरे दरोगा साहिबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इनकी बहन हो। अब हम ना आपके भाई को छोड़ देंगे और तुमसे एक भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं बहन, इन जमींदार साहब ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, तुम इनका साथ कभी मत देना। भाई तुम चिंता मत करो, मैंने इन जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही ये वर्दी पहनी है। अरे दरोगा साहिबा, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अभी तुम हमारी पावर के बारे में नहीं जानती हो। बहुत देख ली तेरी पावर, अब तू इस वर्दी की पावर देखना। चल मेरे साथ चुपचाप, और तुम लोग भी चलो।